हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ UP SSC में जो सहायक लेखाकार एवं लेखाकार परीक्षा का इंटरव्यू चल रहा है। आज 13 नवंबर है और 13 नवंबर के दिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके कुछ क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये किया है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन से अवगत करा पाऊँ। और आइए चलिए देखते हैं वो सारे क्वेश्चन आंसर कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है आयातक निर्यातक कोड संख्या आवंटित किसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो DGFT के द्वारा आवंटित की जाती है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है एग्जिम बैंक की स्थापना किसकी वृद्धि के लिए की गई। तो एग्जिम बैंक की स्थापना विदेशी व्यापार की वृद्धि के लिए की गई थी। उसके बाद पूछा गया है लेखा मानकों की आवश्यकता क्यों हुई। तो लेखा मानकों की आवश्यकता संस्था में लाभ कम होने के कारण हुई है। आप लोग साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक करते चलिएगा और अगर PDF चाहिए तो आप लोग सिर्फ मैसेज कर दीजिएगा इस पर कि PDF के लिए, तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दिया करूँगा। और इसके बाद देखिए पूछा गया है क्वेश्चन व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। तो जो लोग जैसे पूछा जाता है कि हिंदी में या फिर इंग्लिश में, मतलब कि अगर आप को हिंदी अच्छे से नहीं आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में आप पढ़े हुए हैं तो आपसे इंग्लिश में ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उस तरह से व्हाट इज इन्वेस्टमेंट पूछा गया। तो यहाँ इन्वेस्टमेंट इज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एंड ऑन एसेट टू अर्न रिटर्न्स। तो ये आपका इन्वेस्टमेंट का डिफिनेशन हो गया। इसके बाद देखिए पूछा गया है हु इज डिसाइडेड द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स। तो इसका जो आंसर होगा वो द इन्वेस्टमेंट मार्केट। इसके बाद है व्हाट इज मीन्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मतलब बताना है यहाँ पर कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस मीन्स हो जाएगा, बिजनेस मीन्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा देंगे ताकि मैं जो भी छोटे मोटे छोटे बड़े सूचना या फिर वीडियोज में अगर अपलोड करूँ तो वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। इसके बाद देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति नाम से कौन प्रसिद्ध है, मतलब ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो दादा भाई नौरोजी हैं, ये ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन विश्व का सबसे लंबा पशु है। तो विश्व का सबसे लंबा पशु होता है जिराफ होता है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत अगर पूछ दिया, यहाँ देखिए पूछा गया है तो वो है एवरेस्ट। और वही अगर भारत का पूछा होता तो भारत का K2 हो जाता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका अध्यक्ष कौन थे उसके बारे में बताना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ये अध्यक्ष थे। और इसके बाद पूछा गया जो क्वेश्चन है वो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित हैं। तो भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बिहार राज्य से संबंधित हैं। इसके बाद पूछा गया है खेल से पूछा गया है ये क्वेश्चन द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित हैं। तो ये वीरता से संबंधित हैं। एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले और पूछे जा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि रिपीट किया गया है कई बार। तो मैंने उस क्वेश्चंस को अपने वीडियो में नहीं लिया है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके लिए आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखें क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि रिपीट किया जा रहा है। और चलिए आगे इसके बाद देखते हैं। और कुछ मैथ का भी क्वेश्चन उसी तरह का है। तो 14, 16, 18 का लघुत्तम बताना है। तो लघुत्तम कितना होगा तो ये आप सॉल्व करके बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में हमें कि कितना इसका आएगा आंसर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो माउस का आविष्कार किसने किया है। तो माउस का आविष्कार किसने किया, डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने किया है जो कि 1964 को माउस का आविष्कार किया है। इसके बाद हॉटमेल के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है। तो भारत के सबीर भाटिया,
ये देखिए, भारत के सबीर भाटिया जो है वो उन्होंने हॉटमेल के वो जन्मदाता के नाम से जाना जाता है, और इन्होंने फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल को जन्म दिया था। और इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है, बैंकों में एटीएम किसका उदाहरण है? तो बैंकों में एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन मतलब कि वैन का उदाहरण है, वैन का एक उदाहरण है। इसका हो जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क होता है फुल फॉर्म, और ये भी पूछ देता है बार बार, रिपीट किया गया है ये भी क्वेश्चन, वैन का फुल फॉर्म तो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ है फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार किसने किया था? तो फ्लॉपी डिस्क का आविष्कार आईबीएम के वैज्ञानिक एलन सुगार्ट ने 1971 ईस्वी में किया था। क्या नाम है? आई वैज्ञानिक एलन सुगार्ट ने 1971 में किया था। तो ठीक है, इस तरह से देखिए ये इतने क्वेश्चंस हो गए, ये कंप्यूटर के क्वेश्चंस हो गए हैं इतने। इसके बाद कुछ मैथ से पूछा गया है, तो मैथ का करेक्ट क्वेश्चंस मुझे नहीं मिल पाता है, जैसे कि जिस स्टूडेंट का इंटरव्यू हुआ तो उन्हें अगर बाय चांस जो जो अगर पूरा क्वेश्चंस नहीं याद है तो समझिए कि आंसर भी गलत आएगा उस हिसाब से। तो कंफ्यूजन क्वेश्चन होने के कारण मैंने वो सिर्फ इस तरह से आपको बता दिया है कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ क्वेश्चन था। इसके बाद कुछ मूलधन आपका साधारण ब्याज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस तरह से आप लोग मैथ के लगभग सारे चैप्टर से ही आप लोग तैयारी कीजिए, और जितना जानते हैं उतना ही बहुत है आप लोगों के लिए, उसमें जितना जानते हैं उस पर बस पकड़ बनाए रखिए, आपका वो इंटरव्यू इसी तरह निकल जाएगा। इसके बाद हिंदी से पूछा गया कुछ क्वेश्चन है, हिंदी में से पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं, तो जैसे कमल का पूछा गया था और एक पानी का पूछा गया था, तो ये दो का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। इसके बाद है अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार के बारे में आपको बताना है, अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, मतलब जिस व्यंजन की प्रवृत्ति बार बार हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी पूछ दिया गया, तो एग्जाम्पल में हो जाएगा तरणी तरुणा तट तमाल तरुअर बहु छाया। तो इस तरह से ये अनुप्रास अलंकार का परिभाषा हुआ और उदाहरण हुआ। यहाँ पर तरणी तरुणा तनुजा जो है उसमें त व्यंजन जो हो जाएगा वो उसकी प्रवृत्ति बार बार हुई है, तो इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। तो आप लोग अलंकार हिंदी से भी टोटल जितने क्वेश्चन बनते हैं उस तरह से आप लोग तैयारी कीजिए। फिर पूछा गया है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा टका है। और इसके बाद चलिए देखते हैं, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अपने दोस्तों में कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को काफ़ी भला हो जाए, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और धन्यवाद।